नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रवीण शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन जनता की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूंगा। प्रदेश के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। धान खरीदी और उड़द को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। किसान को उड़द की पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। अगर किसानों की समस्या जल्द हल नहीं होती तो सड़क पर उतर कर वो किसानों के हक में लड़ाई लड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं सीएम नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी जिंदगी जनता के लिए है, और इसलिए कहीं गड़बड़ होगी, लोगों को दिक्कत होगी, जनता के साथ अन्याय होगा, शिवराज जाएगा, मामले उठाएगा, कहने पर नहीं होंगे तो लड़ाई लड़ेगा। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तो उनको चेता रहा हूँ, भैया गड़बड़ है, गड़बड़ दूर करो, ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और जब तक सांस चलेगी मैं पूरा करूँगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी तो मैंने मामला उठाया है, किसानों के बीच में वही मैंने बात की है, मैं सरकार को अवगत कराऊँगा, और सरकार नहीं मानेगी किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है। धान पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, टोकन दे दिए, टोकन दे के किसानों के बारदाने नहीं थे तो बोरों में ही खरीद लिया, अब कोई उठाने को तैयार नहीं है, सड़ रहा है वहाँ धान, किसान कहाँ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जिनने पहले धान बेचा उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, उड़द पहले खरीद ली अब वापस कर रहे हैं, अमानक है, वापस ले जाओ, ये अन्याय है, ये मैं नहीं होने दूंगा, सरकार साफ समझ ले। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। तो मुझे दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए बने रहिए प्रवीण शर्मा के साथ।